you alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. While I know the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon, stacking cheese like a Parmesan. Ain't never closed, call me Octobomb. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I lift it. There's no cap and I be breaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Hey guys, welcome to solo another conquer rank post video. Hope करता हूँ कि लोग मस्त होंगे और आप लोगों का भी rank post मस्त से चल रहा होगा. तो guys, इस वाले game play में अपन अपने drop location पर ही आए थे, Novo पर. तो यहाँ से थोड़ी देर loot करते हैं और फिर निकलेंगे. अपन को zone के बाहर काफ़ी दूर है अपन. और guys, मतलब leader board में अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मतलब अंधे तो hacker बैठे हुए हैं, तो पता नहीं ये लोग कभी बैन होंगे और कब अपन लोग टॉप पर आ पाएंगे legit players. तो गाइस, इस वाले गेम में अपने को मिलती है मतलब फ्लेयर गन. तो उससे हम BRDM लगाते हैं और देखते रहो गाइस, BRDM से कैसे इजी चिकन निकालेंगे. तो गाइस, जोन काफ़ी छोटा हो चुका था और मैं मतलब एच पे आके होल्ड कर रहा था, बिल्कुल एच पे जोन के. तो यहाँ पे पीछे साइड से फायर होती है, तो ये शायद इस बग्गी पे कर रहा होगा. तो वो जो फायर कर रहा था वो बंदा शायद जोन के बाहर था. तो मैं जाता हूँ देखने क्या मतलब किल वगैरह मिल जाएगा ईजी. जोन के बाहर है, डैमेज भी होगा. तो मैं यहाँ पर आकर मतलब देखता हूँ कि मतलब कोई भी दिखता नहीं है. तो मुझे वहाँ पे घर होते हैं, तो मुझे लगा था कि बंदा घर पे ही होगा और मतलब जोन के बाहर जाके क्या ही फाइट लेना. तो अपन मतलब एच पे रहते हैं और यहीं पे देखते रहते हैं, अगर बंदा पैदल वैदल आएगा तो ठुक देंगे इसे. तो गाइस, जब भी आपके पास BRDM हो तो मतलब पूरी कोशिश करा करो कि जोन के एच ही खेला करो. मतलब बिल्कुल जोन के सेंटर तो मतलब जाया मत करो, क्योंकि जोन के सेंटर में ज़्यादातर BRDM को फाड़ ही देते हैं हर तरफ से. और कभी भी किसी कंपाउंड के पास मत लगाया करो. कंपाउंड वाला बंदा मतलब पूरी कोशिश करता है BRDM फाड़ने की. एकदम मतलब कोशिश करा करो कि ओपन में ही रखा करो BRDM, क्योंकि मतलब आसपास कोई घर ना हो. क्योंकि मतलब अगर ओपन से कोई फाड़ेगा भी तो उसे ईजिली किल कर सकते हो तुम, और वो बंदा स्पॉट भी हो जाएगा, उसे बहुत जगह से पड़ेगी. तो मतलब BRDM से मतलब एज पे और ओपन ही खेला करो. तो पीछे से जोन भी आ रहा है और देखते गए जोन कहाँ पर ही शिफ्ट लेगा अभी. और ये बंदा जो था मतलब राइट ले बंदा वो था जो जोन के बाहर से आ रहा था, और ये बंदा चला जाता है पहाड़ी पर. और राइट साइड से भी फायर हो रही है स्नाइपर टावर से, और ये जीप वाला बंदा सामने पत्थर पर रुक जाता है.
तो इस बंदे को आगे साइड से भी कोई मार रहा था और अपन तो इसका इजीली किल ले ही लेते। तो गाइस अपने को चाहिए थी M4, तो अपन जाकर देखते कि उस बंदे की पेटी में है या नहीं है, क्योंकि इस कारल से इतना बढ़िया मतलब स्प्रे वगैरह जाते नहीं है गाड़ी से उतारने के लिए। तो इस बंदे की पेटी में M4 प्लस कार 98 रहती है, तो अपने को कार 98 तो चाहिए नहीं क्योंकि इतना छोटा जोन बन चुका है, तो K9 का क्या ही करेंगे। तो अपन M4 ले लेते हैं और वापस अपनी बीआईडी में बैठ कर ही एज पे बैठे रहते हैं, क्योंकि जोन मतलब जब जोन आएगा तब जोन में चलेंगे। तो गाइस अपन इधर ही होल्ड कर रहे थे और अपने लेफ्ट पे एक बग्गी आ जाती है, तो गाइस देखते रहो अभी इसे कैसे चटकाते हैं। तो इस बंदे को स्क्वाड हाउस की साइड से पड़ भी रही है गोली, तो ये बंदा फुल कंफ्यूज था कि मतलब क्या करूं क्या ना करूं, तो अपन इसे इजी टटका देते पीछे से। और फिलहाल तो अपन मतलब जोन के एच पर सेफ है, ठीक है, कोई मार भी नहीं रहा, तो अभी फिलहाल यहीं पर पड़े रहते हैं। तो गाइस सामने की साइड से बहुत ही क्लोज से मेरे डीपी की फायर होती है, मतलब डीपी चलाते कोई बंदा। तो गाइस मैं इसे देखने आता हूँ तो यहाँ पे स्मोक हो रखा होता है, तो अपन वेट करते हैं स्मोक खत्म होते इसे पेल देंगे। तो गाइस जैसे मैं मतलब इसके क्लोज जाने लगता हूँ तो इसका कोई धुआं बना देता है दूर से, और अपने को जाना था जोन में तो अपन अभी चलते हैं। तो ये स्क्वाड हाउस तो मतलब जोन के बाहर ही हो चुका है, और जो था स्नावे टावर था सिर्फ जोन में और बाकी पूरा ओपन जोन है। तो गाइस मुझे बैक साइड से एक बंदा आता हुआ दिखता है जोन के बाहर से, अभी 20 सेकंड है जोन में तो वो शायद वहीं खड़ा रहेगा और अभी आएगा जोन में 20 सेकंड बाद। तो ये बंदा फुल स्मोक वगैरह कर कर आता है जोन में, तो इसे भी हम बड़ी आसानी से चटका देते हैं। ये 0% डैमेज दे पाता है अपने को, और गाइस अब सिर्फ 5 बंदे बचे हैं और मुझे किसी की भी लोकेशन ठीक से नहीं पता अभी, तो बस ये एक बंदा पानी में दिखा, अभी पानी में तैर रहा है। तो गाइस अपन अभी चलते हैं जोन में और ये मतलब आएगा तो ऊपर इसे पी ही देंगे। तो ये बंदा मतलब पानी में ही रहता है और मैं बीआरडीएम छोड़ के इसे मार इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मतलब क्या पता किधर बंदा लेटा हो और मुझे आसानी से चटका देगा और बीआरडीएम अलग ले लेगा, तो अपन पेशेंस वाला गेम रखते हैं फुल कि बंदा आएगा तो मार देंगे और इजी चिकन ले लेंगे। और पीछे साइड जो था लास्ट बंदा आ चुका था, अब सिर्फ 3 ही बंदे बचे हैं, एक पानी वाला और एक जो पीछे आया और एक मैं। तो मैं अपनी बीआरडीएम जो था मतलब जोन में ले लेता हूँ कवर में। मैं सोचता हूँ कि मतलब अगर ये बंदा चढ़ेगा तो पहले इन दोनों की फ़ाइट होने देता हूँ, और ये बंदा आ भी जाता है इतने, तो मैं सोचता हूँ पहले इन दोनों की फ़ाइट होती हो मतलब हो तब अपन थर्ड पार्टी से चिकन ले लेंगे। ये बंदा पेड़ पे आके रुक जाता है, पहले तो मुझे लगा था कि आप तक टीम अप है क्योंकि पीछे वाला बंदा इसे मार नहीं रहा होता क्योंकि उस पर पूरा एंगल भी रहता है, तो मुझे लगा था टीम अप है, फिर मुझे लगा था कि अब तो कुछ मतलब खुद ही करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं रहता, जो पीछे वाला बंदा रहता है उस पर शायद पहले एंगल नहीं था, फिर शायद होता है
वो इसे मार देता है इजीली सोलो रश। तो अपन अब चलेंगे लास्ट वाले बंदे से करेंगे 1v1, वो आ रहा ओपन से। तो बंदा ग्रेनेड वगैरह कर रहा था, तो अपन अपनी बीआरडीएम में बैठ जाते हैं। तो बीआरडीएम में तो कुछ नहीं होता, मतलब बीआरडीएम थोड़ी बहुत डैमेज होती है बट होता कुछ नहीं है। तो ये बंदा बैरल पूरी खाली कर देता है अपनी बीआरडीएम पे और रिलोड पे लगा देता है, तो अपन इसे ईजिली चटका देते हैं और अपना ईजी चिकन डिनर हो चुका है। तो गाइस ये वाला मैच काफ़ी पेशेंस वाला था। अगर आप लोगों को ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।